और मारो इसे, ये इसी लायक है। अरे मारो गया रे। सरपंच जी, कालिया को चोरी करते हुए हम सब ने रंगे हाथ पकड़ा है, अब इसे गांव से बाहर निकाल देने में ही हम सबकी भलाई है। तो देर किस बात की है, अभी इसे धक्के मार के इस गांव के बाहर का रास्ता दिखा दो। अरे सरपंच जी ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगा। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार मार के गांव की सीमा के बाहर निकाल देते हैं। मेरे कमर दर्द, अरे भगवान करे इनके गांव में भूचाल आ जाए, धरती फट जाए और सब गांव वाले उसमें समा जाए। चलते चलते कालिया जंगल में पहुंच जाता है, उसे वहां एक प्रयोगशाला दिखाई देती है। अरे इस जंगल में ये अजीब सा दिखने वाला घर किसने बनाया है, चल कर देखना पड़ेगा। कालिया प्रयोगशाला के पास चला जाता है, दो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बातें कर रहे होते हैं। बधाई हो डॉक्टर चमन, आखिरकार हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का आविष्कार कर लिया है जिसे पहनकर कोई भी इंसान गायब हो सकता है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर जर्माटो, अब कल सुबह ही हम इस जंगल से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात के खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ हाँ, मुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी है, चलो चलते हैं। दोनों वैज्ञानिक वहां से चले जाते हैं, उनके जाते ही कालिया प्रयोगशाला में दाखिल होता है। अच्छा तो ये बात है। कालिया बड़े से कांच के अंदर रखी घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अपनी कलाई पर बांध लेता है, फिर घड़ी में लगा बटन दबा देता है। कालिया को एक जोरदार झटका लगता है। कालिया अपने आप को आईने में देखता है तो उसका पूरा शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। अब तो जो चाहे वो कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। गांव वालों, मैं आ रहा हूँ। कालिया गांव की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों वैज्ञानिक वहां आते हैं। अरे ये क्या, लगता है कोई हमारी घड़ी चुरा कर ले गया है, ये देखो पैरों के निशान। अब क्या होगा, अगर वो घड़ी किसी गलत हाथों में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारी घड़ी में जो बैटरी लगी है ना, वो सिर्फ 24 घंटे चलेगी, उसके बाद वो घड़ी काम करना बंद कर देगी। उधर दूसरी तरफ गांव में सरपंच अपने घर में सो रहा होता है, तभी एक आहट से उसकी नींद खुल जाती है। अरे कौन है, कौन है वहाँ? बड़े मजे से सो रहा है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये ले, इसी लायक है, ले। आप मर गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, मेरे घर में भूत आ गया है। सही कहा, मैं भूत ही तो हूँ, ये ले। अरे भूत जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए? तेरे घर में जितना भी पैसा है ना, मुझे ला कर दे दे, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। सरपंच अपनी तिजोरी से पैसे निकाल कर एक बड़े कपड़े में बांध कर जमीन पर रख देता है और कालिया वो सारा पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जमींदार गांव के चौराहे पर खड़ा कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। इस कमीने जमींदार ने भी मुझे बहुत पीटा था, इससे भी बदला लेना तो बनता है। जमींदार अचानक अपने आप को चाटे मारने लगता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, जमींदार साहब अब ठीक तो है ना? अरे मुझे नहीं पता भाई। अरे मर गए रे, ये तो पक्का किसी भूत प्रेत का काम है, जमींदार के अंदर कोई भूत आ गया है, इससे पहले कि ये हमारे अंदर आ जाए। मनोहर भाई, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। ये क्या, अरे बाप रे बाप, मुझे तो भूतों से बड़ा डर लगता है, मैं तो चला यहाँ से। अगली सुबह इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है।
सभी गांव वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाई, पता नहीं कहां से हमारे गांव में एक भूत आ गया है। उसने कल रात को सरपंच और जमींदार की खूब पिटाई की और उनके सारे पैसे भी लेकर चला गया। हाँ भाई हाँ, ये भूत तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भूत उन पैसों का करेगा क्या। अरे तेल में पकोड़े बना के तलेगा बेवकूफ, इस बात की चिंता करके कहीं वो भूत हमारे घर में ना आ जाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो हरिया, मैं भी इसी बात से घबरा रहा हूँ। अच्छा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम सब भी अपने अपने घर चले जाओ, उस भूत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। दूसरी तरफ कालिया सारे पैसों को एक खंडर में छुपा देता है। इतने सारे रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखे। इस तरह कुछ दिनों में मैं अमीर बन जाऊंगा। आज मैं उस मोटे बब्बन को अपना शिकार बनाऊंगा। सुना है दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने मिले हैं उसे। रात होते ही कालिया बब्बन के घर में घुस जाता है। हाँ, मिल गई तिजोरी, अब जल्दी से इसे खोलकर सारे पैसे निकाल लेता हूँ। अरे खुल जा खुल जा। खुल गई। कालिया पैसे थैले में भर ही रहा था कि तभी बब्बन उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। भाई क्या कर रहा है? हाँ? अरे हट। अरे तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ और तू फिर भी मेरी तिजोरी से पैसे चुरा रहा है। अरे मैं तो गायब हूँ, तू मुझे कैसे देख रहा है? कालिया अपनी घड़ी को देखता है। अरे इसे क्या हो गया है? हाय लगता है बैटरी खत्म हो गई। अच्छा तो आज मैं तेरी बैटरी अच्छे से चार्ज कर देता हूँ। अरे भाग्यवान जरा मेरा डंडा तो लाना। ये मोटा मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भागो। कालिया भागकर घर के बाहर जाता है। बाहर सभी गांव वाले हाथ में डंडा लिए खड़े होते हैं। अच्छा तो तू वो भूत है? मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आपके और जमींदार जी के सारे पैसे लौटा दूंगा और आज ही हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। शिक्षा, बुराई ज्यादा दिन की मेहमान नहीं होती, एक दिन उसका अंत हो ही जाता है।